शिक्षा में भ्रष्टाचार हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है और विडंबना इस बात की है कि कभी भी ये एक व्यापक मुद्दा नहीं रहा है। ना तो कभी इसे सरकार ने तवज्जो दी, ना कभी मेनस्ट्रीम मीडिया ने तवज्जो दी। हमेशा जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार होता है वो है कम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे पहले भी कई चरणों में हम भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का लेवल हो, चाहे उससे पहले 10+2 का लेवल हो। कई बार छात्रों को लेकर के उनके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं तक आते आते जब उसके भविष्य की बात होती है, करियर की बात होती है, तो हद हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये है कि जिस तरीके से जितने भी आयोग, मैं संघ लोक सेवा आयोग तक को भी यहाँ पे सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में भी चाहे वो अनुवाद को लेकर के रहा हो कि पेपर बनाना है तो अनुवाद को लेकर वहां पर समस्या है, सही अनुवाद ही नहीं करेंगे, 2-4 इरर वहां पर भी आने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन ही बनाए जाने हैं, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ होना ही होना है। इस बार ही जो पेपर हुआ था आपका, और इस बार के पेपर में भी आप लोगों ने देखा था कि 1-2 क्वेश्चन डिबेटफुल थे, जिसका मुख्य कारण सिर्फ अनुवाद था, इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, और बाकी के आयोगों की तो बात ही छोड़ दो। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थिति वही है, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो, SSC है, उसकी भी स्थिति यही है, या फिर RRB NTPC को तो छोड़ ही दो, उससे तो बात ही मत करो। जितने भी अन्य अधीनस्थ जो आयोग बनाए गए हैं, चाहे वो टीचिंग के लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों की भर्ती हो, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार, मतलब समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं, क्या सोच है, किस उद्देश्य के लिए बैठे हैं। यदि आपका एकमात्र गोल है कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है और मेरिट बेस पर बच्चों को चयनित करना है, तो वहां पर एक करप्शन का कीड़ा जो बैठा हुआ है ना, कि पहले तो क्वेश्चन गलत कर दो, क्वेश्चन गलत होने के बाद फिर रिजल्ट आने का कोई मतलब ही नहीं कि कब रिजल्ट आना चाहिए, क्या कोई एक प्रोसेस है, किस तरह, कम से कम संघ लोक सेवा आयोग को इस बात को लेकर के तो उनको एक चिंता रहती है कि टाइम से चीजें हों, लेकिन बाकी के आयोग तो बस भूल ही जाते हैं। आंसर की आती है तो वो भी डिबेटफुल होती है, आप 100 अच्छे क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। इसके बाद छात्रों को लेकर कोई चिंताएं है नहीं किसी तरीके की, छात्र हैं भाई, एक साथ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 2017 की वैकेंसी का पता नहीं, 18 की पता नहीं, 19 का, उनके रिजल्ट ही नहीं आने, रिजल्ट ही पड़े, फिर अचानक से सब निकालने हैं, है ना। विभिन्न अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग को देखो कैसे भी मंद सा पड़ा है, MPPSC अब कहीं जाके जागा है, या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, सबकी यही हालत है। UPPSC अब जाके कोई रेगुलर हुआ है, लेकिन वहां पर भी रिजल्ट को लेकर हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ मिलती है, 2016 2017 2018 मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ ही है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, कोई मतलब नहीं है किसी तरीके से, गार्जियन का दबाव बच्चे में अलग होता है, तो अब बहुत समसामयिक जरूरत है कि जितने भी शिक्षक जगत में लोग हैं, सारे के सारे शिक्षक जगत के जितने भी लोग हैं और सारे के सारे जो छात्र हैं, कम से कम एक बार जो है कानों में एक बार आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी, और इतने बड़े स्तर की पहुंचानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पे इनको समझ में आए कि इतना भी आसान नहीं है इन चीजों को कर पाना। यदि कोई बोल नहीं रहा है, और हर बार अनसुना कर देना, जब से मतलब मौजूदा सरकार को तो चीजें समझ ही नहीं आ रही है, पता नहीं कि जैसे मुद्दे हैं तो मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है। अभी बीच में जो है पूरी संस्था, चलो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाएगी, लेकिन उसको लेकर क्या प्रारूप है, क्या ढांचा है? यदि CET की बात है तो CET का क्या ढांचा है? फिर इसके बाद वैकेंसी किस तरीके से आएंगी? कम से कम खुल के इन चीजों पर बात होनी चाहिए, और सरकार को भी खुल के आकर के बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो लगातार ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं या फिर 12th करके निकल रहे हैं, उनको क्लियर तो हो कि किस डायरेक्शन पे जाना है और कैसे जाना है। कोई मतलब ही नहीं है। RRB NTPC का लड़के कहीं किसी तरीके से अब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी हर जगह से एक समस्या आ रही कि यहाँ पे करप्शन, वहां पे करप्शन, वैकेंसियों को निकलने से पहले ही पता चल जाता है कि वैकेंसियों की क्या हालात हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इस चीज पे खुल के बात करे। अभी PET एक नया सिस्टम, हर जगह पे CET PET दुनिया भर की चीजें आ रही, लेकिन वैकेंसी कब आएंगी इसका एक स्पष्ट रूपरेखा सरकार को रखना चाहिए। UPSC के तर्ज पे सभी को, चाहे वो SSC हो, और जिस तरीके से UPSC इसको मेंटेन करके रखता है, चाहे वो SSC हो, चाहे अन्य लोक सेवा आयोग हो, अपने कैलेंडर निकालने हैं और उन कैलेंडर का अनुपालन करना है, चाहे वो आपका BPSC हो, चाहे UPPSC हो, चाहे वो RPSC हो, MPPSC हो, तो जो 25 तारीख को एक बड़ा आयोजन है और ट्विटर कैंपेनिंग है, उस कैंपेनिंग में सभी छात्रों को भाग लेना चाहिए। और जो हैशटैग बनाया गया है, हैशटैग जो है मैंने यहाँ पे टाइटल पे यूज भी किया है, इस हैशटैग के माध्यम से आपको ट्वीट भी करना है, मैं भी ट्वीट करूंगा, आप चाहें तो रिट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। रवि प्रकाश आजाद के नाम से मेरा खुद का ट्विटर प्रोफाइल है, और इस पे जितना भी हो सकेगा सबको एक साथ आना है, एग्जुट होना है। जितने भी छात्र सुन रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जाकर भी आप वीडियो देख रहे हैं, सबको कही है चीजें।
ताकि अब ये कब तक बर्दाश्त का एक स्तर है और उस स्तर से बाहर नहीं जा सकते। तो युवाओं को लेकर के जो एक कह सकते हैं ना ढुलमुल रवैया है सरकार का, ये बदलना चाहिए और इस ढुलमुल रवैये पे काम करना चाहिए। यूपीएससी में तो अब लेटरल एंट्री एक नया सिगुफा है कि मतलब लेटरल एंट्री के माध्यम से सीटों को भर लेना। इसके बाद ये जो पूरा सबसे बड़ा इशू है यूपीएससी में, कम से कम पेपर एक बना है। हिंदी का जो अनुवाद गलत होता है इसको लेकर जो हर बार गड़बड़ होती है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यूपीएससी में भी कुछ चीजों को लेकर हमें बात करनी पड़ेगी। आयोगों को, जो लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर क्वेश्चन ही 150 सही नहीं बन पाते, किसी में 5 गलत, किसी में 6 गलत, किसी में 8 गलत, कोई ना कोई ये एक इशू है। तो ये सब चीजों पे अब खुल के बात होनी चाहिए और इस पे लगातार अब कैंपेनिंग चलेगी जब तक मुद्दों को लेकर के सरकार अपना पक्ष, अपना रवैया स्पष्ट नहीं करेगी कि छात्रों को लेकर उनकी स्पष्ट नीति क्या है। तो अब लगातार इस पे बने रहेंगे। #मोदी_रोजगार2 को आप सभी को ट्वीट लगातार करना है, लगातार मैं ये जो आपका ये हैशटैग चल रहा है इस पे काम करना है, बच्चों सभी को मिलके काम करना है।